के फरुखाबाद से, जहां जनपद के थाना राजेपुर अंतर्गत ग्राम चित्रकूट में बाढ़ का कहर जारी। वहीं फास्ट न्यूज इंडिया पर दिखाए गए खबर को देखकर भारतीय किसान यूनियन टिकेट की टीम चित्रकूट पहुंचकर स्थानीय जनता से मुलाकात कर हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। देखिए फरुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फरुखाबाद जनपद अंतर्गत थाना राजेपुर के चित्रकूट के पास, जहां आप देख पा रहे हैं कि गंगा में जल स्तर बढ़ने के बाद जो है सड़कों तक आई गंगा और स्थानीय लोगों की बढ़ी समस्या, घर तक पहुंचा गंगा का जलस्तर। यूं कहें कि सड़क मार्ग भी हो रही है बाधित, जिसको देखते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल उपाध्यक्ष व जिला प्रवक्ता अजय कटियार पहुंचे जनता की हाल जानने के लिए। हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी यहां तक आने की कहानी। अजय जी, जैसा कि इस क्षेत्र में तो बाढ़ आना प्रतिवर्ष होता है, या कोई जैसा कि देखने को मिलता है कि लगातार बाढ़ इस क्षेत्र में आती है, अपितु कई बार जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया गया, अपितु अभी तक स्थानीय लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और आप लोगों के द्वारा भी जैसा सूत्रों से जानकारी मिल रहा है कि ज्ञापन आप लोगों के द्वारा दी गई थी, तो कहाँ तक इस ज्ञापन में स्थानीय जनता को राहत मिलने की संभावना दिख रही है? मैं आपको बता दूं कि हमने 10 जून को कमालुद्दीनपुर में जो महापंचायत की थी, वहाँ मैंने एक ज्ञापन दिया था और जो उप जिलाधिकारी महोदय अमृतपुर थे, हमने उनसे ये आग्रह किया था कि पिछले वर्ष यहीं पर करीब 4 से 5 किसानों की या उनके बच्चों की मौत हुई थी और डूबने से ही हुई थी। तब इस पुलिया पर लगभग 4-5 फीट पानी चल रहा था, तो हमने उनसे कहा यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था करिए जो लोग डूबने से बचें। तो यहाँ ये जो बैरिकेटिंग आप बनी देख रहे हैं, ये हमने 10 जून को ज्ञापन दिया था वहाँ पे, तो बैरिकेटिंग बनी। रह गई बात गंगा पार में बाढ़ की, तो मैं समझता हूँ कि सरकार और प्रशासन दोनों को ये आदत ये पड़ गई है कि बाढ़ तो हर साल आएगी, किसान बर्बाद होगा और राहत के नाम पे जो उनको फसल बर्बाद होती है, पिछले वर्ष भी धान और गन्ना बर्बाद हुआ था लेकिन मिला क्या, लागत भी नहीं मिली। तो ये एक आदत ऐसी बन गई है सरकार की। आप यहाँ से गंगा जी लगभग 3-5 किलोमीटर दूर हैं और आप इधर जाएंगे तो और आगे गंगा जी का पानी गया है। आप ऐसा कोई जनपद देखिए कि जहाँ पे 10-12 किलोमीटर तक गांव डूब गए, ऐसी कोई सरकार ने यहाँ पे स्थायी व्यवस्था नहीं की जिससे यहाँ के किसान को राहत मिल सके। ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बावजूद भी, यहाँ सांसद होने के बावजूद भी, यहाँ पे अमृतपुर के विधायक होने के बावजूद भी इस ओर शायद उनका ध्यान आकर्षित नहीं है। मैं आपके फास्ट न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मेरी अगर आवाज़ वहाँ तक पहुँच सकती है, विधायक के पास पहुँच सकती है, सांसद के पास पहुँच सकती है, तो मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि वो आएँ और इस डिप से निकल के देखें यहाँ गंगा पार में लोग पानी में डूबे हुए हैं, उनको राहत के नाम पर क्या मिल रहा है, उनको खेतों में जो पानी भरा हुआ है, फसल बर्बाद हो रही है, तो कुछ मानवीय दृष्टिकोण और अंतरात्मा की भी आवाज़ सुननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। प्रभाकांत जी, आप एक बुजुर्ग नेता में भी जाने जाते हैं, अपितु क्षेत्र की जो स्थानीय जनता है, इनको जब बाढ़ के दौरान जो फसल क्षति होती है, तो जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो लागत मूल्य ही भुगतान किया जाता है या वह भी नहीं हो पाता, इसमें कहां तक सच्चाई है? ये बिल्कुल सत्य है कि जो फसल आप देख रहे हैं गन्ना की खड़ी हुई है और ये नुकसान हो रहा है, किसानों को लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार केवल झूठे वादे करती है कि मैंने मुआवजा दिया, सर्वे करा के दिया, ऐसा कुछ नहीं, केवल कागजों में सर्वे कराया गया, किसानों के पास कुछ नहीं मिला, पहली बात है। और ये अगर अब की जो आकलन हुआ, हम गांव-गांव जा रहे हैं जहाँ बाढ़ क्षेत्र के गांव घिरे हुए हैं, जिनमें घरों में पानी भरा जाए, चित्रकूट में गाँव घर में पानी भरा हुआ है, ये असलियत ये है कि इन लोगों की इतनी बुरी दशा है, सरकार सोच नहीं रही है, विधायक भी सो रहा है, सांसद भी यहाँ का सो रहा है, यहाँ के शासन प्रशासन के लोग जो राजस्व विभाग के लोग हैं वो भी सो रहे हैं,
कुछ नहीं इनको मिल रहा है, राशन के नाम से केवल खाना पूर्ति हो रही है। इसलिए हम पूरे गांव-गांव जाकर के भ्रमण कर रहे हैं। भारतीय किसानों के लोग पदाधिकारी घूम रहे हैं अब कि ये जानने के लिए कि यहाँ के किसानों को क्या मिला है और क्या खोया क्या पाया। हम इसका आंदोलन लड़ेंगे और उनको मदद इतनी होगी सरकार से लड़ करके इनके साथ इनको साथ लेकर के हम आंदोलन करेंगे और उनको मैं पूरी तारीख के ज्ञापन में भी आप बता दें ये दे रहे हैं। और 9 तारीख जो हमारा ज्ञापन जाएगा यहाँ की समस्या ट्रैक्टर मार्च जो तिरंगा हमारा ट्रैक्टर निकल रहा है किसान का, तो हम इनकी सबकी समस्याएं ज्ञापन में दर्शाएंगे और DM साहब से बात करेंगे कि इनको जरूर सुविधाएं मुहैया कराई। आप देख रहे थे कि जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिली थी कि 9 तारीख को जो है ट्रैक्टर मार्च होना है, जिसमें किसान नेता यह भी बता रहे हैं कि यह बाढ़ की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाएंगे। अब हम आगे भी आपको खबर दिखाएंगे, तब तक के लिए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फरुखाबाद।